गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नास व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज है 18 जुलाई और ये देखो मैंने क्या किया है, मैं लगा रही हूँ ये बालों में अंडा, दही और नींबू। तीनों चीज़ कितने फ़ायदे की हैं सब आपको भी पता है। और ये बस मैंने अभी लगाया है, अभी इसको 5 मिनट भी नहीं हुई और ये मुझे 20 से 25 मिनट में वॉश कर दूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाइज मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैंने अपने बाल भी वॉश कर लिए हैं। सीरियसली गाइज मुझे अपने बाल बहुत स्मूथ लग रहे हैं और सिल्की भी। और अंडा, दही, नींबू ये तो नेचुरल चीजें हैं, कोई भी ट्राई कर सकता है, एक बार आप भी जरूर ट्राई करके देखना। तो गाइस अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ जो मैंने खुद स्टिच किया है। ये रहा, ये पूरा लॉन्ग फ्रॉक है, एंकल तक नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। और ये इसका प्लाजो और ये दुपट्टा तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका कलर। और ये सिंपल इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मेरे दिमाग की बत्ती जली तो मैंने इसके ऊपर इसी का ही कपड़ा लगा दिया और ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये इसका ये प्लाजो है और इसके अंदर ये मैंने कॉटन की लाइनिंग लगाई है और यहाँ पे मुझे नीड नहीं लगी तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सिर्फ यहाँ पे लगाइए। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। तब मैं जा रही हूँ इस आउटफिट को पहनने के लिए क्योंकि मुझसे सबर नहीं होता जब मेरे पास नए कपड़े हों और मैं उन्हें ना पहनूँ। मुझे बहुत शौक है नए नए कपड़ों का और ऐसा बाय चांस होता है कि जैसे मैं भूल जाऊँ माइंड में से कि निकल जाए, जो वो 3 साल 4 साल के लिए मेरे कपड़े रखे जाते हैं, वरना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है नए नए कपड़े रोज पहनना। आज खाने में बनाए हैं आलू गोश्त और राइस, तो बस अम्मी देखो कैसे इंतजार कर रही है खाने का कि कब भाभी उन्हें दें। सो गाइज आपसे लंच करके मिलते हैं। गाइज मैंने आउटफिट पहन लिया है और ये रहे मेरी फ्रॉक के घूम कितने सारे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये झुमकी वगैरह पहनकर कहाँ जा रही हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रही, मैं घर पर ही हूँ। तो मैं आज फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने पहली बार एक शॉर्ट रेडी कर ली थी। अभी मुझे ये भी नहीं पता वो कैसा बना है, अच्छा है या बुरा, ये तो एडिट करने के बाद ही पता चलेगा और आप लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि कैसा बना है। और एक बस एक छोटी सी कोशिश थी और बस गर्मी बहुत लग रही है, स्वेटिंग बहुत हो रही है चेहरे पर। अब बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखो आयत कैसे रो रही है, मैं मना भी रही हूँ तो आ नहीं रही है। आयत सब देख रहे हैं, फ्रेंड्स पूछ रहे हैं आयत क्या हुआ। अच्छा सॉरी आयत, तो बहुत ही ज्यादा नाराज है, सॉरी बोल रही है ना पप्पू। सब ये बोलेंगे मतलब कैसी बच्ची है, पप्पू सॉरी बोल रही है फिर भी नहीं मान रही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पता नहीं कब मानेगी अभी। सॉरी ये नहीं मानेगी, मुझे उठ जाना चाहिए यहाँ से। शायद नानी के घर ही रुक गई थी कल और ये आ जाइए घर वापस और अब ये मुझसे नाराज भी हो गई। आइए, नो रिस्पॉन्स। और ये अरहम के लिए पता है कितनी सारी चीजें लाई थी, मतलब एक होता है ना बड़ी बहन वाली फीलिंग, आयत वो दिखाती है कभी कभी, मतलब उसके लिए कैरिंग करना और उसके लिए चीज लाना। कल चिप्स लाई थी और लॉलीपॉप और मुझे वो वहीं से घूर रही है बैठी हुई। आयत हाय फ्रेंड्स, हाय बोल रहे हैं आपको, नो रिस्पॉन्स। और ये छोटू भाई साहब बैठे हैं आराम से टीवी देख रहे हैं, मतलब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो बिजी होता है टीवी देखने में, तो इस टाइम वो मेरी साइड देख भी नहीं रहा है, वरना वो मेरे पास भाग के आता है। अरम हाय, नहीं वो अपनी पसंद का गाना सुनेगा। फूफो कब से सॉरी बोल रही है और आपने कोई जवाब नहीं दिया फूफो को, अब मैं ये व्लॉग में डाल दूं? बस थोड़ी देर में देखो आपका क्या हाल है। मतलब थोड़ी देर में मैं देखूं मेरा क्या हाल होता है, क्या हाल होगा मेरा? वीडियो में देख लूं, मैं व्लॉग बनाऊंगी नहीं उसका जो मेरा हाल होगा। आयत ने मुझे किया है चैलेंज कि मेरा क्या हाल होता है थोड़ी देर में, तो मैं थोड़ी देर का वेट करूंगी और मैं आपको जरूर दिखाऊंगी आयत मेरे साथ क्या करेगी। क्या देख सकता देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, हाँ मैं सबको दिखाऊंगी आप मेरे साथ क्या करोगे। और ये मेरे हर व्लॉग में बोलता है, हर व्लॉग में कि मैं भी बोलूंगा। शायद की और मेरी दोस्ती हो गई है दोबारा, हो रही है देखो क्या लगा कर आई है। सब हंसेंगे आप पर, ये बोलेंगे ऐसे इयर रिंग किसके होते हैं, मतलब राउंड में होते हैं लेकिन ऊपर कौन पहनता है? ऊपर ऊपर कौन पहनता है आयत, सब यहाँ पहनते हैं नीचे। नहीं हम ऊपर ही पहनते, आप ऊपर ही पहनती हो, चलो हमारी दोस्ती हो गई अब। यस चलो भाई हमारी दोस्ती हो गई। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ आज पूरी, फर्स्ट टाइम बनाई मैंने, पहले भी है लेकिन भाभी हेल्प करती है, लेकिन आज मैं अकेले ट्राई करके देख रही हूँ। मुझे नहीं पता इसके कौन से नक्शे बनेंगे, अभी स्टार्टिंग है। देखो
फिर भी ठीक है। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ और ये मेरा तेल बिल्कुल गर्म था। और फ्रेंड्स तेल का काम ना थोड़ा सा ध्यान से किया करें क्योंकि मेरे हाथ में ना कितनी बार छींटे आ चुकी हैं। और ये मेरा छोटे साइज का स्पून, ये फूल गई मेरी पूरी। गाइस मेरी पूरी फूल गई और मेरा पेट ऐसी भर गया क्योंकि ये अच्छे से बन गई ना, मैं खुश हो गई। जब फूली फूली पूरी लेकर जाते हैं ना सर्व करते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है, और जब कोई तारीफ करे तो सारी थकान भी उतर जाती है, फिर दिल करता है कि अगली बार और अच्छे से बनाओ। और ये मेरी पूरी, और ये मैंने और भी बनाकर रखी हुई है। और आज सब्जी बनी है हमारी, दिखाओ, आलू की सब्जी भाभी ने बनाई है, और ये चिकन भाईजन के लिए। सो फ्रेंड्स मेरी पूरी बन गई है और अब मैं आराम से नीचे आ गई हूँ अपना खाना लेकर, और अम्मी पढ़ ली है पीछे नमाज, और बस जल्दी से खाते हैं खाना। खाई हूँ अपनी सब्जी बाउल भर भर के क्योंकि मुझे सब्जी ज्यादा पसंद है। सच में भाभी ने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, सब्जी अच्छी हो ना तो पूरी कैसी भी चल जाती है, क्योंकि मेरी पूरी भी अच्छी थी ना भाई, बहुत अच्छी थी। ये बना रही हूँ मैं ऑमलेट, और ये मेरे ब्रेड, और मैं करने जा रही हूँ बस अब नाश्ता। गाइस मेरी नमाज भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अम्मी के कज़न ब्रदर के घर, और बस अचानक ही हम लोगों का प्रोग्राम हुआ और भाभी और मैं 5 मिनट में जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं और हम यहाँ पे और बस मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई, अम्मी ने कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ टाइम मत लगाना, और बस हम 5 मिनट के रेडी होकर आ गए। और बस मामी अभी नीचे हैं और हम उनके ऊपर वाले फ्लोर पर हैं। फिर यहाँ दिख गया मुझे बड़ा शीशा, फिर कहाँ मौका छोड़ा मैंने अपनी वीडियो बनाने का। और बस ये हम लोगों के लिए नाश्ता, और ये है मामी, मामी का फेस उधरता, और ये मामी के बेटे हैं, और यहाँ पर अम्मी खा रही हैं पकौड़ी। फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं रात के 10:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था तो हम सब वेट कर रहे थे। फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके हैं और हमने चेंज वेंज कर लिया, थक गए हैं और खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था, हमने वेट किया, फिर थोड़ी देर बाद हमें रिक्शा मिल गया, फिर हम लोग घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।